नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की नौ कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप हो चुका है या आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के लिए वैलिड यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो ये सन साइन मून साइन दोनों से ही देखी जा सकती है। तो जिसके ऊपर जिस हिसाब से रेजोनेट होती है उस हिसाब से ही आप देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बातें कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स बार बार फ़ोन करके या फिर कमेंट्स में ये लिख कर कि मुझे रीडिंग करवानी है तो परेशान ना करें। व्हाट्सएप मैसेज पर जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी जैसा आप चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं उनकी लिब्रा के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ वंड्स, द मून एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। जो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इस उनको लगता है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में काफ़ी पनौती है, काफ़ी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अननोन फियर है, उससे वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि जितना जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ पनौती आ रही है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। ये रिश्ता जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ चीज़ें मतलब कोई रिश्ता हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ें जो इस रिश्ते को नेगेटिव बना रही हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसा राज जो उनसे छिपाया जा रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो लिब्रा है वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, वो उनको क्लियर बता नहीं रहे हैं उनको लेकर। और उनको ये भी डर है कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दें, तो खोने का भी वो डर है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में आकर इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई ऑफिस से कोई बॉस, कलीग या कोई रिश्तेदार, कोई भी मतलब ऐसा हो सकता है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि उन्हें लेकिन इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो दूसरे को की बातों को ना सुनकर एक दूसरे की बातों को सुने, उनको महसूस करें और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलें। पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठें, नेगेटिव लोगों के पास में ना बैठें। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें बजाय कि परेशानी टेंशन लेने के, एक दूसरे की बातों को लेकर रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको वो उसको वो समय रहते उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और उसके लिए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें। वो काम करें जो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर सकता है वो। तो अच्छे अच्छे काम इस रिश्ते में करें और इसमें परिवार की, फैमिली की वो मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अगर इस डर से, इस घबराहट से, इस परेशानी से वो बाहर निकलते हैं तो एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना के बारे में सोच रहे हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते में डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्हें बजाय के डरने के, बजाय के घबराने के, एक दूसरे से इस रिश्ते में बातें करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा से क्या चाहते हैं।
सॉरी गाइस, शायद थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है क्योंकि बाहर बहुत तेज कड़ाके की बारिश हो रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपनी जो वाणी है उसको कंट्रोल करें, बजाय के लोगों को यूज़ करने के, वो चीज़ों को लोग को यूज़ करें, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख होता है, परेशानी होती है, दुख होता है। और वो इस रिश्ते में एक उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करके, जो इस रिश्ते में बाधाएँ परेशानियाँ दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके इसमें एक मिठास के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते से, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, हो सकता है कि वो इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करके आगे बहुत जल्दी से बच्चे भी चाहते हैं, और काफ़ी बेसब्री से वो लगातार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब वो खुशियाँ आएंगी, कब वो प्यार वापिस आएगा जो इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकता है, प्यार प्रेम ला सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है और आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। वो महसूस कर रहे हैं बार बार कि जितना वो इस रिश्ते में इंतज़ार करते जा रहे हैं, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और हो सकता है कि शायद लिब्रा और लिब्रा के पर्सन दोनों ही इस रिश्ते का बेसब्री से आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक नई न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक फैमिली, एक परिवार या शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो इस रिश्ते में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर लिब्रा इस रिश्ते को शुरू कर देते हैं, एक बिगनिंग कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, समय लग सकता है, लेकिन इसमें ये स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ज़रूर आएगी, खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और बहुत जल्दी जब ये रिश्ता अगर एक फैमिली, एक परिवार हो जाता है और शादीशुदा है, तो ये बहुत जल्दी इस रिश्ते से बच्चा भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ इस रिश्ते से मिल सकती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो इतना बेसब्री से इंतज़ार ना करें कि अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लें, तो वो इंतज़ार करें लेकिन इतना बेसब्री से ना करें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करें, धीरे धीरे करके रिश्ता खुशियों में तब्दील जरूर होगा। तो वो क्या एक्शन लेंगे लिब्रा के प्रति, जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो इस रिश्ते में वो अभी फ़िलहाल के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते हैं उनके जो लिब्रा हैं, तो वो किसी के सामने भी इसका खुलासा ना करें, वो अपने नॉलेज गेन करते रहें, विजडम गेन करते रहें, इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करें, समझदारी के साथ वो इसमें एक्शन लें। कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, जब तक कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार नहीं हो जाता, जब तक अपने पैरों पर, अपने जिम्मेदारियों पर वो खड़े नहीं हो जाते, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब, और इस रिश्ते में गेट टुगेदर नहीं होता, एक फैमिली, एक परिवार नहीं बन जाता, तब तक वो किसी को भी कुछ भी ना बताएं। तो वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, जो भी चीज़ें हैं वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि जब अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ होंगे, तो रिश्ता अपने आप ही आगे बढ़ेगा, खुशियां अपने आप ही आएंगी, ये रिश्ता पॉजिटिव अपने आप ही होगा। और वो चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ वो चाहते हैं कि इसमें अभी के लिए कोई एक्शन, मतलब किसी को भी कुछ, राजमिस्त्री अगर वो जानते हैं तो किसी को भी कुछ ना बताएं जब तक ये रिश्ता सही नहीं हो जाता। और इसमें वो पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के पास गेट टुगेदर करना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाने जा रहे हैं, इसमें एक दूसरे के प्रति
जो है खुशियां शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी ये इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन आ रहा है, एक गेट टुगेदर हो रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को समझा जा रहा है। चुप रहकर मौन रहकर खामोशी के साथ इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और घर बनना, घर बसना, एक फैमिली, एक परिवार होना, ये सब इस रिश्ते में देख रहे हैं। वही एक्शन वो लेना चाहते हैं कि जल्दी से ये एक फैमिली एक परिवार बन जाए, पुरानी हिस्ट्री दोहराई जाए, जो रोमांस के दिन होते थे, स्कूल कॉलेज के दिन होते थे, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो सकती थी, एक दूसरे के साथ वो मिलकर पार्टीज़ वगैरह करते थे, गेट टुगेदर करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, वही चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ रही हैं और एक दूसरे के लिए फॉरगिव वो करना चाहते हैं। तो यही वो एक्शन चाह रहे हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ वो विजडम नॉलेज गेन करते रहें और अपने पैरों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें और इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें। तो वो फॉरगिव कर रहे हैं एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ाने बढ़ रहा है, खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ रही हैं, घर बनना, घर बसना और हैप्पीनेस, लॉन्ग जर्नी, सब कुछ इस रिश्ते से वापस आता दिखाई दे रहा है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। स्ट्रेंथ एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वांड्स। तो वो इसकी गाइडेंस बता रही है कि उन लोगों को इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए जो जिनकी वजह से वो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, उनको लेट गो कर देना चाहिए। कुछ जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तो अपने लिए या अपनों के लिए उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं, पनौती ला रही है। तो उन चीज़ों को छोड़कर वो चाहते हैं कि वो लोग इस सिचुएशन से, चाहे वो अपने घर के मेंबर ही क्यों ना हो, कि जो इस रिश्ते में दरार पैदा कर रहे हैं वो इस रिश्ते से लेट गो करें और वो करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते की खुशियों को देखना चाहिए। इसमें एक कम्युनिकेशन करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इस रिश्ते में बातें करें। अगर वो फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वो या फिर अगर उनके पास लंबे समय से वो मिल नहीं पाए हैं, ट्रैवल कर अगर वो इस उनके पास आ सकते हैं तो सामने से उनसे आकर मिलें। तो ऐसे ये गाइडेंस बता रही है कि उस उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, या कुछ ऐसे लोग जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उन चाहे वो अपने खुद के क्यों ना हो, उनको इस रिश्ते से अभी बाहर कर देना चाहिए। मतलब उन लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, उन लोगों का दूर चले जाना ही ठीक है। तो और करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ अगर डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हिम्मत करनी है, करनी पड़ेगी और लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे और एक कम्युनिकेशन करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। और या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से, मतलब करेज और हिम्मत के साथ, साहस करके नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं या लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांग कर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ केसेस में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस रिश्ते को दोबारा से, हिम्मत, करेज और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो हिम्मत करेंगे तो वो इस रिश्ते में खुशियाँ ज़रूर पाएंगे, क्योंकि ये और यूनिवर्स भी इसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी का भी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो उनकी वो इस रिश्ते को ज़रूर हासिल कर पाएंगे, जीत उनकी ज़रूर होगी। तो आज के लिए बस इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, वीडियो बनाने में खुशी हो। फिर नई
वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।